Hey guys, welcome to my YouTube channel Education Candle. This is Anjali Sharma. So today we will discuss about bending stress in cantilever spring. It means इस वीडियो में हम कैंटिलीवर स्प्रिंग के लिए बेंडिंग स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो. हमारी लास्ट वीडियो में हमने सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग के बारे में बात करी थी, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वार्टर इलेप्टिकल. इट मीन्स लीफ स्प्रिंग के 1/4 पार्ट की हम यहाँ बात करेंगे. सो जब हमने जो हमारी सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग थी उसकी बात करी थी, तो हमने वहाँ एज्यूम किया था कि वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, और हमने उस लीफ स्प्रिंग को सिंपली सपोर्टेड बीम मान के ही उसमें बेंडिंग स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन निकाला था. बट इस वीडियो में क्योंकि हम एक लीफ स्प्रिंग का 1/4 पार्ट ले रहे हैं, यानी कि क्वार्टर इलेप्टिकल ले रहे हैं, तो यहाँ हम ये देखेंगे कि ये एज अ कैंटिलीवर स्प्रिंग काम करेगी. सो इसीलिए हमने जो हमारा टॉपिक है वो ये रखा था कि कैंटिलीवर में बेंडिंग स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं. तो क्योंकि हम यहाँ कैंटिलीवर बात की कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे हैं, सो हम जानते हैं कि कैंटिलीवर बीम के लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो होता है W इंटू L. इट मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस. सो ये होता है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, इट मीन्स M. और क्योंकि यहाँ लीफ की बात हो रही है, तो हम नहीं जानते कि लीफ स्प्रिंग में कितनी लीव्स लगी हुई हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एन से उसे डिवाइड कर देते हैं. और जहाँ एन है नंबर ऑफ लीव्स, यानी कि हमें नहीं पता कि हमने कितनी लीव्स मिला के जो हमारी लीफ स्प्रिंग है वो बनाई है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो लीव्स हैं वो एन है. तो इसीलिए डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई एन, ये हम एम की वैल्यू लेके चलेंगे. देन इसे हम बेंडिंग इक्वेशन में पुट कर देंगे. जो बेंडिंग इक्वेशन हमारी होती है, एम अपॉन आई इट्स इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इट्स इक्वल टू ई अपॉन आर. तो हम यहाँ से सिग्मा फाइंड करने वाले हैं, तो इसीलिए हम एम अपॉन आई इट्स इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई का रिलेशन लेके चलेंगे. सो सिग्मा इट्स इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई. एम की वैल्यू हम जानते हैं, डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई एन. और आई की वैल्यू की बात करें, तो क्योंकि हम यहाँ लीफ की बात कर रहे हैं, तो लीफ में हमने देखा था कि लीव्स की जो ब्रेथ और थिकनेस होती है वो सेम होती है, बट लेंथ चेंज होती रहती है. बिकॉज हमारी लीफ में जो मास्टर लीफ होती है उससे लीव्स की जो लेंथ होती है वो कम होती चली जाती है बिकॉज ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, जिससे कि हम बेंडिंग स्ट्रेस जो है उस पूरे लीफ स्प्रिंग में इक्वल रख सकें. तो इसी वजह से हम देखेंगे कि जो हमारी लीफ है उसमें ब्रेथ और थिकनेस सेम है, तो जब उसे फाइंड करेंगे तो हमें आई निकल के आ जाएगा. आई जो है वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी टी क्यूब बाई 12. ये कैसे आया ये मैंने आपको मॉस में सॉल्व करना सिखाया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. देन वाई की बात करेंगे, तो वाई हम जानते हैं वाई होता है न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की लेयर का डिस्टेंस वाई. तो वाई यहाँ पे क्योंकि हम लीफ की बात कर रहे हैं, तो लीफ क्या है टी बाई टू, यानी कि थिकनेस का हाफ जब हम लेंगे तो वो वाई हो जाएगी. तो वो हमें जो वाई डिस्टेंस है वो मिल जाएगी. सो हमारे पास आई वाई और एम की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इजीली यहाँ से जो हमारा स्ट्रेस है बेंडिंग स्ट्रेस है वो फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके. सो जब हम एम अपॉन आई इंटू वाई में जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे, डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय बी टी क्यूब बाय 12 इंटू टी बाय 2, तो उस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो आ जाएगा, और बेंडिंग स्ट्रेस होगा 6WL डिवाइडेड बाय NBT स्क्वायर. तो ये होता है बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला. सो आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल एजुकेशन कैंडल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच.